ये कहानी एक बाप और एक बेटे राजेश्वर और लक्ष्मण की है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर नहीं देखा था। बड़े दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही गई, जब उनके जीवन में शहर देखने की उम्मीद जागी। उठ लक्ष्मण, यहाँ मुर्गा मोर हाथी घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है, जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रहे हैं। अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं, घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? कोई पकड़ो मेरे घोड़े को। बाबा! बेटा! वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। बहुत पहले की बात है, मैं क्या? अरे लगाम खींचो, लगाम। ये पकड़ लिया, अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है, तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रेने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना, अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चला तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम। नहीं आप, तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, दुब लोग हो, बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के।
क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया, इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे। अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। अयो, इसे क्या हो गया? अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा, आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा! मेरा पवन! अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया। अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया चल के। क्या? If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.